हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने आज के दिन 2100 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर डीआई ने 800 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर फिर से एक मेजर फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारी एंट्री हुई थी जहां से हमें एक अच्छा मूव मिल चुका था। उसके बाद अब ये फिर से हमारे फोकस में आ रहा है। अगर इमीडिएटली ट्रेडिंग परस्पेक्टिव कभी भी ये 730 के लेवल को क्रॉस करता है तो वहां से हमारे लिए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में रह सकता है। 750 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेजर सपोर्ट की बात करते हैं तो 693 की हमें इसमें मेजर सपोर्ट देखने को मिल रही है, जहां पर हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट भी हो सकता है। लेकिन जहां पर भी हमारी एंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल से जहां पर हो रही है शॉर्ट टर्म कैंडिडेट, तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस 2 से 3% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर हम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव एंट्री बना रहे हैं तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस 0.5% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर हम सेकंड स्टॉक की बात करते हैं तो सीडीएसएल काफी लोगों का मन पसंदीदा शेयर है। इनफैक्ट मेरा भी मन पसंदीदा शेयर है। अगर हम इसमें मेजर दिक्कत की बात करें, क्योंकि काफी टाइमों से इसमें हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, अगर हम इसमें स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो तो हमें मिलेगी स्ट्रेंथ इसमें 1280 के ऊपर, आप मान सकते हो कि जहां पर हमारे पास इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जब इसने ये कैंडल बनाई थी तब ये हमारे नोटिस में आया था, जहां पर एक क्लेमिंग की थी। लेकिन हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज और 20 की मूविंग एवरेज के पास, जहां से हमें ऑलरेडी एक मूव मिल चुका है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट किया था। उसके बाद अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए एक बार के लिए ये एक्सटेंड हो चुका है, बिकॉज हमारी ट्रेडिंग परस्पेक्टिव अगर पोजीशन की बात करते हैं, हम कभी भी ये 1060 के लेवल के पास हमें देखने को मिलता है तो हमारे लिए ट्रेडिंग परस्पेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में रह सकता है। अदरवाइज 1280 के ऊपर तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का कैंडिडेट बन ही जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम जहां पर 3 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और वो कौन कौन से होने वाले, ग्रीन सैप, मैक्सन एंड ईशान, तो यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूँ, पर्सनली मुझे कोई भी आईपीओ नहीं मिला है, मैक्सन तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया था, लेकिन तीनों में ही मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम होने वाली थी अगर ये मुझे मिल जाती। और वो ये होने वाली थी कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं सारे काम धंधे छोड़कर इन्हीं आईपीओ को सबसे पहले बुक करने की कोशिश करता हूँ। रीजन सिंपल सा है, बिकॉज उसके बाद इसमें लगने शुरू हो जाते हैं सर्किट्स, और जनरली कुछ ही सेकंड में हमें वहां पर सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर लिक्विडिटी का इश्यू ना आए, तो उस वजह से मैं जहां पर सबसे पहले एसएमई आईपीएस को एग्जिट करने का प्लान करता हूं। और अपर सर्किट लगता है फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगने लग जाए तो वहां पर हमें मेजर दिक्कत होने लग जाती है। इसका मतलब ये नहीं होने वाला कि जहां पर लोअर सर्किट ही लगेंगे, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि जहां पर लोअर सर्किट लगते हैं या अपर सर्किट लगते हैं, जिनका हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। और उसी के साथ साथ ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस करी है। आप लोगों का रिस्क रिवार्ड, आप लोगों का क्या माइंडसेट है, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है 2 आईपीओ की लास्ट डेट, एसएमई आईपीओ होने वाले, सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज और ट्रेडर टेक्नोलॉजीज। अगर मैं यहाँ पर दोनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करता तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है आज के टाइम पे, ना ही त्रिद्या टेक में और ना सिनोप्टिक्स टेक्नोलॉजीज में। फिर भी अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की जहां पर बात करूं तो मैं यहां पर बीइंग एन अग्रेसिव होकर ही कोई भी एसएमई आईपीओ अप्लाई किया जाता है, बिकॉज एसएमई आईपीओ थोड़े अग्रेसिव लोगों के लिए होते हैं। बीइंग एन डिफेंसिव हम जनरली इन आईपीओ को नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर मैं इस आईपीओ में अपना पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूँ तो जहां पर मैं दोनों आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। फिर से आपको कोई भी काम करना हो, आपको अपने रिस्क फैक्टर को देखते हुए और उसी के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को हो चुका होगा काफी ज्यादा बूम बूम पटाखा इंडेक्स वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ी हमें दिक्कत देखने को मिली है स्टॉक साइज के एक्शन में और ब्रॉडर मार्केट में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो हमारी सिंपल सी बात हुई थी, यहाँ पर फिन निफ्टी में इस रेंज में हमें कोई भी काम नहीं करना था, लेकिन इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाती है तभी हम वहां पर कोई काम करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिन निफ्टी एक अच्छे गैप अप के साथ खुलती है, तो हमारे लिए यहाँ पर ऊपर की साइड सस्टेन करना जरूरी हो चुका था हमारे लेवल्स के पास में, और हमें एक मौका मिलता है यहाँ पर जहां पर हमारी एंट्री हो चुकी थी सी में, बिकॉज जो हमारा ये रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए बन चुका था सपोर्ट, आधे घंटे से ज्यादा ऊपर सस्टेन हो चुकी थी। जनरली एक्सपायरी के दिन 15 मिनट से ज्यादा जब भी कोई भी ऊपर
की साइड की सस्टेन हो जाती है या नीचे की साइड सस्टेन हो जाती है तो हमारे स्पोर्ट रेजिस्टेंस बदल जाते हैं और वहां पर अच्छे खासे कॉल सेलर या पुट सेलर आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी थी सी में फिर से, तो हमें यहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिल ही चुका है। और जो मूव गया था अप्रोक्स 270 पॉइंट्स के पास का, जहां पर आप लोगों को आ चुका होगा पूरा का पूरा मजा, मतलब एक ही कॉल आज के दिन के लिए सफिशियंट थी। लेकिन सफिशियंट होने का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने जहां पर इसको स्टडी ही नहीं किया है वो हमारे लिए सबसे मेजर दिक्कत होने वाली। देखो कॉल में एंट्री बनाना या नहीं बनाना वो अलग मैटर है, लेकिन चीजों को एजुकेशन पर्पज स्टडी करना बहुत जरूरी मैटर है, इसलिए हम जहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी और उसके बाद जहाँ पर हमें रिवर्सल देखने को मिला और हमारा जहाँ पर कोई भी काम करना नहीं बनता था हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, और फिर तो बस पूरा का पूरा निकल ही चुका था। मतलब कि फिर निफ्टी में हमें एक ही ट्रेड मिली और वो हमारे लिए काफी ज्यादा मजेदार साबित हो चुकी थी। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी की बात करते हैं आज के दिन, यहाँ पर हमारी सिंपल सी बात होती है कि अगर इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर को जाएगा तभी हमारी यहाँ पर सी में एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर भी हमें गैप अप देखने को मिलता है और हमारा यहाँ पर सी में एंट्री नहीं होती है। लेकिन आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि 19,400 के ऊपर हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाएगी और वहां से हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, स्पेशली मेंबर के साथ तो ये पूरा का पूरा क्लियरली डिस्कस हुआ था। और वहां से हमें एक एंट्री हमारे लेवल्स के पास होती है और जहां से हमें सीधा एक मूव मिल चुकी थी अप्रोक्स 100 पॉइंट्स की, जहां पर आप लोगों को आ चुका होगा मजा और हमारी यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पे इनिशिएट हो चुकी थी। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जहाँ पर टाइम पास करते और सीधा निकलती इस रेंज के ऊपर, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करना जरूरी था और यहाँ पर 15 मिनट हमारी मार्केट सस्टेन कर चुकी थी। अगर यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है तो ठीक है, अगर नहीं भी हुई है तो इट्स ओके। और जहाँ से भी हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी जो अप्रोक्स 70 पॉइंट्स की निकल चुकी थी, और यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा सेकेंड ट्रेड जो हमारी इनिशिएट हुई थी वो भी अच्छी खासी प्रॉफिट में आ चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यही हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका था, लेकिन हमें यहाँ पर एक अच्छी मूव नहीं देखने को मिली थी तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हम इस कॉल को काउंट नहीं करें। मतलब कि आज के दिन हमें प्रॉपरली 3 कॉल्स मिली है हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग और वहां पर हमें तीनों कॉल्स में एक अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। फोर्थ कॉल में लॉस में नहीं गया, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ भी है, अगर हमने ले भी लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले एक बार हम ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं, जहां पर आप लोग देखोगे 19,400 के ऊपर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। और सिमिलरली अगर हम नीचे की साइड की बात करते हैं 19,400 19,300 पे हमें मेजर पुट सेलिंग देखने को मिल रही है, फिर 19,200 पे हमें एक अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम डाटा बेस पर तो 19,300 हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जहाँ पर 19,400 जो हमारा आज के दिन का हाई बना हुआ है, ये 19,400 से 430 की रेंज यही हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। देखो अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर अब की बार कॉल में एंट्री नहीं बना रहा हूँ मैं पर्सनली। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 19,300 हमारे लिए डाटा बेस पे प्रॉपरली स्पोर्ट बन रही है, पहली स्पोर्ट जहां पर अगर एक बार मकली मार्केट आते तो वहां से हमें एक इमीडिएट बाउंस देखने को मिल सकता है और वहां पर हमारी एंट्री हो सकती है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। बाकी लाइंस मैंने यहां पर डिलीट कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। 19,200 हमारे लिए मेजर स्पोर्ट बनी हुई है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो जहाँ आप लोगों को कोई भी क्वेरी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्की लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ जितनी भी चीजें हमारी जहाँ पर डिस्कस हो रही है वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव ही हुई है, जहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेनिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।